दोस्तों आज है हमारे पास क्लास 10th का यूपी बोर्ड का इंग्लिश वाला पेपर और आज हम करेंगे इसका रिव्यू और देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे हल करना होता है। तो चलिए इस पेपर का रिव्यू शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा इसके नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा सेक्शन ए और आपको पहले क्वेश्चन में एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा। आपको इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और नीचे आपको इसी पैसेज से दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन दोनों का आंसर दे देना है। ध्यान रहे कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर इसी पैसेज में आपको मिल जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और इन दोनों का आंसर देना है। एक क्वेश्चंस का आपको मिलेगा इसमें 4 नंबर पहले क्वेश्चन का। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। इसमें लिखा है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड्स, यानी कि इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस और दिए गए हैं। इनमें आपको पहले दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर देना है कम से कम 60 अक्षर शब्दों में। इसमें से आपको एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, अगर आप दोनों करेंगे तब भी आपको 4 ही नंबर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन करिए और अच्छे से करिए। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। इनमें लिखा है कि आंसर टू क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड्स। इनमें आपको यानी कि तीसरे क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इन तीनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको इनमें दो क्वेश्चंस का सही आंसर देना है और दोनों क्वेश्चंस का आंसर अगर आपका सही रहेगा तो ये मिलेगा आपको 4 नंबर, 2 + 2 = 4। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चंस। चौथे क्वेश्चन में है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि आपको इसमें सबसे पहले पढ़ना है इस क्वेश्चन को और उसके बाद मैच कर देना है जो इसमें सही आंसर हो, मैचिंग वाला है, ये मिलेगा आपको 4 नंबर इसमें। यानी कि 4 मैचिंग है और 4 में 4 अगर आपका सही रहेगा तो आपको इसमें 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों अब आता है हमारा 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पहले क्वेश्चन की तरह, आपको पहले क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया गया था उसको पढ़कर आपको आंसर देना था और 5वें क्वेश्चन में आपको 4-5 लाइन आपकी पोएम की दी गई हैं, कविता की। इस 4 लाइन की कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 2-3 जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी कविता के अंदर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आता है 6वां क्वेश्चंस। 6वें क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, या आप चाहें तो सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं 3 नंबर का, या आप चाहें तो कोई 4 लाइन की कविता यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 4 लाइन कविता ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा तो 4 लाइन कविता ही लिख देना। इसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में है आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। 7वें क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं ए बी और सी, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है और आपको 4 नंबर मिलेंगे और दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है 25 शब्दों में कम से कम देना है। इसके बाद आता है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसमें 4-5 जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको पढ़ना है और सही गलत का निशान लगाना है। अगर ये कथन सही है तो इसके आगे आपको सही कर देना है और ये अगर गलत है तो इसके आगे आपको गलत कर देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन काफ़ी इसमें बड़ा है, बहुत ही मोटा पेज है। अब दोस्तों आता है आपका 9वां क्वेश्चन और 9वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ कथन लिखे गए हैं, इसके आगे जो यहाँ पर लाइन होगी उसे आपको लिख देना है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, अगर आपका 4ों क्वेश्चन सही रहेगा तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा सेक्शन बी और सेक्शन बी में यहाँ पर दिया है डू एज टू अगेनेस्ट टू ईच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको रीऑर्डरिंग पहले में करना है और दूसरे में पैसिव वॉइस में बदलना है और तीसरे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर करना है। यहाँ पर नीचे जो लिखा रहेगा ये ग्रामर का सेक्शन है, इसमें आपको जो नीचे लिखा रहेगा उसी को आपको उसी के हिसाब से आपको सेंटेंस में चेंज कर देना है। इसके बाद आता है हमारा 11वां क्वेश्चन और 11वें क्वेश्चन में लिखा गया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो इट द सेंटेंस बाई फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कि रिक्त स्थान दिए गए हैं इसमें सिंस फॉर फ्रॉम, जो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन ठीक लगे उसको यहाँ पर आपको भर देना है। इसमें आपको 4-5 क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे कर देना है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रांसलेट करना है, इसे इंग्लिश में करना है। उसके बाद 13वां में आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है अपने प्रिंसिपल को 5 दिन की छुट्टियों के लिए, या आप अपने पिताजी को एक लेटर लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और है, 14 क्वेश्चन है, तो इसे आप ऐसे देख लीजिए इसके बाद कर लेना। यहाँ पर आपको 14वें क्वेश्चन में एक निबंध लिख देना है। 5-6 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बस इसमें आपको एक निबंध लिखना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप एक निबंध लिख देंगे।
इतना ही काम था इस आपको पेपर में। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।